कि मिसाल के तौर पे एक यूएस हिस्ट्री है, उसमें एक टॉपिक है वार ऑफ 1812, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट सीएसएस का जो सिलेबस है उसमें ये 24 साल में सिर्फ एक बार आया है, वो भी 10 मार्क्स का नोट। यूजुअली क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, वो 7 बार आया है, हर बार 20 मार्क्स का आया है, तो टोटल 140 मार्क्स का वो 24 साल में रिपीट हुआ है, और ये 10 मार्क्स का रिपीट हुआ है। अगर आप देखें तो इसका रेशियो निकालें तो 114, अगर आपके पास 15 मिनट हैं, अगर इसको भी 7.5 मिनट दें, इसको भी 7.5 मिनट दें, तो इट मींस कि यू हैव ओवर एस्टिमेटेड द टॉपिक वार ऑफ 1812, और आपने जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अगर आपके पास 15 मिनट हैं, अगर आप पेरिटी के हिसाब से चलेंगे तो 1 मिनट इसको दें, 14 मिनट इसको दें। जो टॉपिक 24 साल में सिर्फ एक बार आधा आया है, 10 मार्क्स का आया है, अगर आपका नसीब इतना बुरा है वो 25वें साल में 20 मार्क्स का आ जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऑप्शन में छोड़ देंगे, बनाने की उसको जरूरत ही नहीं। व्हाई डू वी वेस्ट आवर टाइम ऑन सच टॉपिक्स, उनको निकाल के फेंक दें। अगर आप सीएसएस के सिलेबस से जो है टॉपिक को देख के बनाना शुरू करेंगे तो ये टाइमलेस काम हो जाएगा आपके लिए, कभी आप पूरा नहीं कर पाते फिर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ये इन टॉपिक्स को लेके चलना है।